लखनपुर गांव में सीता और गीता नाम की दो बहनें रहा करती थी। सीता बहुत ही गोरी और खूबसूरत थी। गीता सांवले रंग की थी और नैन नक्श भी इतने खास नहीं थे, लेकिन दोनों बहनों में रंग रूप को लेकर कोई भेदभाव नहीं था। दोनों में बहुत गहरा प्रेम था। सीता के पास एक तोता था जिसका नाम गीता ने मिठू राम रखा था। बचपन से ही वो तोता इंसानों के बीच रहकर उनके कही हुई बातें को सीख लिया था। सीता रोज मिठू राम से पूछता है, मिठू राम जरा बताओ तो सीता की शादी कहाँ होगी? जहाँ गीता की होगी वही सीता की होगी। दोनों बहनें ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और खुश होकर मिठू राम को खूब प्यार करते हैं। सीता अपनी बहन से इतना प्रेम करती थी कि वो अपने घर वालों से हमेशा एक बात कहा करती थी, पिताजी हम दोनों बहनें एक ही घर में शादी करेंगे। मैं उस लड़की से ही शादी करूंगी जिसका कोई भाई मेरी बहन गीता से शादी करेगा। मैं अपनी बहन से कभी अलग नहीं रह सकती, इसीलिए आप भी हम दोनों के लिए रिश्ता देखिएगा तो ऐसा घर ही ढूंढना जहाँ पर दो बेटे हो और जो हम दोनों को एक साथ रख पाए। सीता और गीता के परिवार बहुत ही गरीब था, इसीलिए उनकी बात सुनकर उनके पिता बहुत परेशान हो करते थे और वो अपनी दोनों बेटियों से कहते थे, अरे कैसी बात करते हो तुम दोनों, एक तो पहले ही हम गरीब लोगों के घर अच्छे रिश्ते नहीं आते और तुम दोनों जिद करके बैठे हो कि एक ही घर में जाओगे। ऐसे तो अच्छा रिश्ता मिलने से बहुत देर हो जाएगी और बहुत ज्यादा दहेज तो मैं नहीं दे सकता, इसलिए तो जो भी रिश्ता आएगा तुम दोनों हाँ कर देना, ऐसे जिद ना पालो जो समाज को मंजूर ना हो। पिताजी की बात सुनकर गीता समझ जाती है कि पिताजी आखिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। उसे पता था कि सीता बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो इतनी सुंदर नहीं है, इसीलिए जो भी रिश्ता आएगा वो सीता को ही पसंद करेगा, लेकिन गीता को अपने घर की बहू बनाना मंजूर नहीं करेगा। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं। सीता और गीता को देखने के लिए रिश्ते आते हैं, लेकिन सीता की जिद के वजह से कोई भी रिश्ता दोनों बहनों के लिए राजी नहीं होता है। कोई भी सीता को पसंद कर लेता, लेकिन गीता किसी को भी पसंद नहीं आता। एक दिन दोनों बहन नदी के किनारे बैठा हुआ था, तभी गीता सीता से कहता है, सीता मेरी बहन हम दोनों अभी ये जिद छोड़ देते हैं। पिताजी पहले ही गरीबी की वजह से परेशान हैं, ऊपर से हमारी ये जिद उनको और भी मुश्किल में डाल देता है। मुझे देखकर हर कोई रिश्ते से मना कर देता है, ये तुझे भी मालूम है कि मुझे कोई भी अपने घर की बहू बनाना नहीं चाहता है, इसीलिए अब मैं भी शादी नहीं करना चाहती हूँ। मेरी बात मान और जो भी रिश्ता आए तो उसके लिए मान जा। गीता की ऐसी बात सुनकर सीता नाराज होकर बोलती है, सीधा सीधा क्यों नहीं कहती कि तू मुझसे उतना प्रेम नहीं करती है जितना मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। तू ये सोच भी लिया कैसे कि सुंदर होने की वजह से मुझे पसंद कर लेंगे और तुझे मना कर देंगे तो मैं वहाँ शादी करूँगी? मेरी प्यारी बहन तेरी साथ कभी कोई गलत ना कर पाए, इसीलिए मैं हमेशा तेरी साथ रहना चाहती हूँ और तू मुझसे ही दूर होना चाहती है। मैं तुझसे बात नहीं करूंगी अब, जा तुझे जहाँ जाना है जो करना है कर। ये कहकर सीता नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। चलते चलते सीता एक बाइक वाले लड़के से टकरा जाती है। बाइक वाला उसे देखते ही पसंद कर लेता है, उसे उठाता है और बोलता है, अरे अरे, अरे चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ये अच्छा है, पहले टक्कर मार दो फिर सॉरी कहकर पूछो कहीं चोट तो नहीं लगी है। चोट लग जाती तो देखकर नहीं चला सकती हो बाइक, तो चलाती ही क्यों हो? ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। अरे अरे तुम तो गुस्सा हो रही हो, चलो मैं तुमसे सॉरी नहीं कहती कुछ और कहती हूँ,
जिससे सुनकर शायद तुम्हारा गुस्सा गायब हो जाए। मेरा नाम नरेश है और मैं इस रामपुर गांव का मुखिया का बेटा हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद आई हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सीता उस लड़की की ऐसी बात सुनकर शर्मा जाती है और वहां से भाग जाती है। नरेश दूसरे ही दिन सीता के घर अपनी माँ दमयंती देवी को लेकर रिश्ते की बात करने चले आते हैं। सीता के पिता नरेश से बोलते हैं, आपको सीता पसंद है ये अच्छा लगा, लेकिन मेरी एक और भी बेटी है गीता, और सीता अपनी बहन से बहुत प्रेम करती है। दोनों बहन एक दूसरे से बिल्कुल भी अलग नहीं रहना चाहती, इसलिए आपको मेरी दोनों बेटी को ही अपने घर बहू बनाकर ले जाना होगा। अगर ये आपको मंजूर है तो ही सीता शादी के लिए राजी होगी। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरा एक और बेटा है जो कल अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में आने वाला है, वो जल्दी ही उसकी अच्छी सी जॉब लग जाएगी। अब अपनी दोनों ही बेटियों को बहू बनाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा, गीता की फोटो भी ले लूंगी अपने बेटे को दिखाने के लिए। सीता और गीता के पिताजी अपनी दोनों बेटियों को बुलाते हैं। सीता और गीता अपने हाथों में चाय नाश्ता लेकर लड़के वालों के सामने आते हैं। नरेश सीता को देखते हैं और सीता भी शर्माने लगती है। दमयंती देवी दोनों लड़कियों को देखते हैं और बोलती है, सीता तो एकदम लक्ष्मी की जैसी सुंदर है, गीता का रंग थोड़ा गाढ़ा है, लेकिन कोई बात नहीं, बस मेरे बेटे को गीता पसंद आ जाए और शादी के बाद हमारे घर खाना खा पी कर उसका रंग रूप ऐसे ही निकल जाएगा। आपकी दोनों बेटियां मुझे बहुत पसंद आई, मैं बस मेरे छोटे बेटे के घर आने के इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, हम चलते हैं, जल्दी ही बारात लेकर हम आपके दरवाजे पर आएंगे। ये कहकर नरेश और उसकी माँ दमयंती देवी वहाँ से चली जाती है। सीता और गीता दोनों आज बहुत खुश होते हैं, दोनों के सपने आज पूरे होने वाले थे। एक ही घर में दोनों की बहू बनकर जाने के सपना जो वो बचपन से देखती थी वो आज पूरा होने वाला है। उन दोनों की खुशी देखकर घरवाली भी काफी खुश होते हैं। गीता मिट्ठू से बोलता है, मिट्ठू तुझे क्या लगता है, जो हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? अगर सब सही हो रहा है तो फिर मेरा मन क्यों इतना घबरा रहा है? पता नहीं मिट्ठू, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। देने की क्या बात है, सीता और गीता जब एक साथ हैं। हाँ तू ठीक ही कह रही है, जब मेरी बहन मेरे साथ है तो फिर मुझे डरने की क्या बात है। अच्छा सुन, शादी के समय तू मेरे ही साथ रहना, मेरी घबराहट दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं गीता के साथ ही रहूंगा। अगले दिन नरेश सीता और गीता के घर उसके छोटे भाई का फोटो लेकर आता है और बोलता है, ये लो ये देखो अपने होने वाले पति को, और मेरा छोटा भाई शादी के लिए तैयार भी है, ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आया। अब बस जल्दी से शादी की तैयारी शुरू कर दो तुम लोग। सीता और गीता के घर शादी की तैयारी होने लगती है। नरेश और उसका छोटा भाई बारात लेकर दरवाजे पर आ जाता है। देखते ही देखते धूमधाम से दोनों बहनों की शादी हो जाती है। दोनों बहनें डोली में बैठकर अपने पति के घर चली जाती है। कुछ घंटों के बाद जब सीता अपने ससुराल पहुंचती है, डोली से उतरकर ही वो अपनी बहन की डोली को ढूंढता है, लेकिन उसकी डोली वहां पर नहीं पहुंचती है। माँ जी, गीता की डोली कहाँ रह गई? मेरी डोली के पीछे ही तो उसकी डोली आ रही थी, फिर अभी तक आई क्यों नहीं? बहू पहले तुम शांत हो जाओ, कुछ डाकुओं ने उस डोली को हमला कर दिया था। सब कह रहे थे कि गहनों के लिए उन्होंने गीता को मार दिया और वहीं पर दफना दिया।
सीता अपनी बहन गीता की मौत की खबर सुनकर बेहोश हो जाती है। उसकी सास उसके मुंह पर पानी छिड़क कर उसे होश में लाती है और शांत रहने के लिए बोलती है, सीता मुझे तुम्हारी बहन के लिए बहुत दुख है, लेकिन भगवान की मर्जी के आगे हम कर भी क्या सकते हैं। अब तुम्हारे रोने और परेशान होने से तुम्हारी बहन वापस तो नहीं आ सकती है ना, और तुम्हें ऐसा रोते हुए देखकर उसकी आत्मा भी खुशी नहीं होगी। भगवान मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय कैसे कर सकता है। मैं अपनी बहन के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती थी, इसीलिए एक ही घर में शादी करके आना चाहती थी, लेकिन ये सब क्या हो गया। भगवान मेरी बहन को ही मुझसे छीन लिया। सीता अपनी बहन को याद करके खूब रोने लगती है। तभी उसका पति और उसका सास दमयंती देवी दोनों उसे शांत कराने की कोशिश करते हैं। तभी सीता से मिठू राम बोलता है, सीता ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। गीता को डाकुओं ने नहीं मारा, बल्कि तुम्हारे पति और सास ने मिलकर तुम्हारी बहन गीता को मारकर दफना दिया। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीता मिठू राम की बात सुनकर अपने पति और सास को गुस्से से घूरती रहती है। वो अपने पति को गिरेबान पकड़ कर बोलती है, तुम लोगों ने मेरी बहन को मार डाला, आखिर क्या बिगाड़ा था मेरी मासूम बहन ने तुम लोगों की, क्यों मार डाला उसे क्यों। ये सुनकर सीता की सास दमयंती देवी सीता से गुस्से में कहती है, हमने नहीं, तुमने मारा है अपनी बहन को, तुम्हारी जिद के वजह से वो मरी है। मेरे बेटे को तुम पसंद आई थी, लेकिन तुम्हारी जिद के वजह से हमें ये करना पड़ा। तभी हमने ऐसा सोचा कि कुछ ऐसा करें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अब जो होना था हो गया है, तुम इस घर की बहू हो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप अपने पति के साथ जीवन बिताओ और अपनी उस काली मनहूस बहन को भूल जाओ। सीता अपने पति और सास को धक्का देकर मिठू राम के पीछे पीछे चली जाती है। मिठू राम सीता को एक कब्रिस्तान में ले जाते हैं। सीता यही है तुम्हारी बहन की कब्र, यही पर तुम्हारे पति और सास ने उसे मारकर दफना दिया। सीता गीता की कब्र पर बैठकर रोने लगती है। ये सब क्या हो गया, गीता मेरी बहन, मेरी जिद ने तेरी जान ले ली। तू ठीक कहती थी, मेरी जिद के कारण ये सब हुआ है। तभी वहाँ गीता का आत्मा आकर सीता से कहता है, सीता मेरी बहन तू रो मत, तू रोएगी तो मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, और मेरी जान तेरी किसी भी जिद के वजह से नहीं गई, बुरे नजर वालों की वजह से गई है। जो रंग रूप में भेदभाव करते हैं उनकी घटिया सोचने की वजह से मेरी जान गई है, इसीलिए तू खुद को दोषी मत मान। अच्छा अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना और हमेशा खुश रहना। हम इस जन्म में साथ नहीं रह पाए तो क्या हुआ, दूसरे जन्म में हम दोनों जरूर एक साथ जीवन बिताएंगे। मैं आ रही हूँ मेरी बहन, मैं आ रही हूँ गीता तेरे साथ। ऐसा कहकर सीता भी रोती रोती उसी कब्रिस्तान में गीता के कब्र के ऊपर ही अपना जान दे देती है। कोकिला अपने तीन गोरे भाइयों की इकलौती बहन है, जिसका रंग उसके पापा के जैसे काला है, और तीनों भाइयों का रंग अपनी माँ की तरह एकदम दूध जैसा है। पापा अपनी बेटी कोकिला को ज्यादा प्यार करते हैं, माँ अपने गोरे बेटों को ज्यादा प्यार करती है और कोकिला से नफरत करती है। कोकिला पढ़ाई में बहुत होशियार और शांत लड़की है, वहाँ उसके तीनों भाई पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल कमजोर और गलत संगत में पड़े हुए लड़के होते हैं, जो स्कूल के नाम पे मूवी देखने जाते हैं। इन सभी बातों को लेकर आए दिन घर में पति पत्नी में झगड़ा हुआ करते हैं। एक दिन चारों बच्चे स्कूल के लिए तैयार होकर खाने की टेबल पर आते हैं और कोकिला बोलती है, पापा
कल हमारे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, जिसमें मैं बिल्कुल आपकी तरह आईपीएस ऑफिसर बनने वाली हूँ। वेरी गुड माय ग्रेट डॉटर, तुम एक दिन मुझसे भी बड़ी और बेहतरीन आईपीएस ऑफिसर बनोगी और मेरा नाम रोशन करोगी। मैं तो अभी से प्राउड फील करने लगा हूँ। बड़ी आईपीएस ऑफिसर मतलब आईपीएस किरण वेदी की तरह? हाँ मेरी बच्ची, बिल्कुल उन्हीं की तरह, एकदम ईमानदार, एकदम निडर। बस बस, अब खाना भी खा लो, जब देखो तब इसकी तारीफ की गंगा बहने लगती है। अच्छा, इस कंपटीशन में तुम तीनों क्या बन रहे हो मेरे लाडलो? मैं तो नेता बनूंगा। और मैं डाकू बनूंगा। और मैं बनूंगा बॉलीवुड का सुपरस्टार शाहरुख खान। कोकिला मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगती है। अरे वाह, क्या बात है मेरे गोरे अंग्रेजों, इतना मस्त आइडल चुना है तुम तीनों ने अपने लिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गए हो, रंग से भी और दिमाग से भी। तुम मेरे बेटों का मजाक मत उड़ाओ। जिस दिन ये तीनों फर्स्ट प्राइज जीत कर आएंगे, उस दिन खोलना अपना ये बेकार सा मुँह। और तुम्हारी ये काली बेंगन क्या लेकर आती है देखती हूँ मैं भी। बड़ी आई आईपीएस किरण बेदी बनने वाली, चपरासी बनने जैसी तो सकल है नहीं, बनेगी आईपीएस ऑफिसर। ये कहकर माँ और तीनों बेटे हंसने लगते हैं। कोकिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पापा गुस्से से अपनी पत्नी और बेटों को देखती रहते हैं और कोकिला को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की क्लास में सभी बच्चे टीचर के पास अपने अपने कॉस्ट्यूम के बारे में बताते हैं। टीचर सारे बच्चों का नाम नोट करती है, लेकिन कोकिला की ओर नजर आते ही वो उठकर जाने लगती है। तभी कोकिला की एक बेस्ट फ्रेंड बोलती है, सर आपने कोकिला से कुछ भी नहीं पूछा और उसका नाम भी नहीं लिखा। ये क्या पार्ट लेगी भला, क्या ये काली माता बनेंगी, ये काला बैंगन? सभी बच्चे टीचर की इस बात पर हंसने लगते हैं और कोकिला की आंखें आंसू से भर जाती है। ये देखकर उसकी बेस्ट फ्रेंड टीचर से कहती है, सर आप न्यू आए हैं ना, इसीलिए आपको शायद पता नहीं है कि कोकिला की पापा यहाँ के आईपीएस ऑफिसर है, और अगर उन्हें पता चल गया कि आपने उनकी प्यारी बेटी को रुलाया है तो मुझे डर है कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए। टीचर ये सुनकर डर जाता है और कोकिला का नाम भी लिख लेता है। घर में कोकिला के पापा कोकिला के लिए आईपीएस की ड्रेस खरीद कर लाते हैं और उसकी माँ अपने तीनों बेटे के लिए उनकी पसंद की कॉस्ट्यूम लेकर आती है। अगले दिन चारों बच्चे अपने अपने कॉस्ट्यूम पहनकर पापा मम्मी के सामने आते हैं। कोकिला की पापा भी अपनी प्यारी बेटी को प्यार से टोपी पहनाते हैं और सल्यूट करते हैं। कोकिला भी अपने पापा को सल्यूट करते हैं। लो हो गया दोनों का नाटक शुरू। अपने तीनों बेटों को काला टीका लगाकर थू थू करते हुए बोलती है, किसी की काली नजर न लगे मेरे सुंदर सुंदर लाडलों को। और फिर सभी फैमिली फोटो जैसे सेल्फी लेते हैं। बड़ा बेटा कोकिला को धक्का देकर बोलता है, ये काली बंदरिया तू हट जा हमारे बीच से, सारा फोटो खराब हो जाता है तेरी वजह से। हाँ ठीक कहा भैया आपने, इसके साथ वाली फोटो ना तो इंस्टाग्राम में अपलोड करने लायक होती है और ना फेसबुक व्हाट्सएप के स्टेटस में शेयर करने लायक होती है। बकवास बंद करो तुम तीनों, तुम्हारी बहन है वो और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम तीनों को। क्यों शर्म आनी चाहिए मेरे बेटों को, और क्या गलत बोला है इन्होंने, सच करवा ही होता है, तुम ना सुन सकते हो तो अपने कान बंद कर लो, सच तो सच ही रहेगी ना। कोकिला ये सुनकर रोती हुई जाकर अपने पापा की कार में बैठ जाती है, पर किसी को कुछ भी नहीं कहती है। पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो भी अपनी मॉर्निंग खराब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए चुपचाप चले जाते हैं अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने। स्कूल प्रोग्राम शुरू होता है।
स्कूल के बच्चे स्टेज पर डिफरेंट डिफरेंट कॉस्ट्यूम पहनकर आते हैं और अपने बारे में बताते हैं। कोकिला की बड़े भाई की बारी आती है। वो एक चीफ मिनिस्टर के कॉस्ट्यूम में आता है और बोलता है, मैं हूँ आपका होने वाला गोरा खूबसूरत नेता। अगर आप सभी लोग मुझे अपना फालतू का वोट देकर जिताएंगे तो मैं आपके खेत में मार्बल का फर्श बनवा दूंगा और एक ऐसी मशीन बनवाऊंगा जिसमें एक तरफ से आलू डालेंगे और दूसरे तरफ से सोना निकलेगा। नीचे बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन उसकी पापा को बिल्कुल भी हंसी नहीं आती है। दूसरा बेटा एक डाकू बनकर आता है और सबको बंदूक दिखाकर बोलता है, दूर गांव में जब कोई बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ उससे कहती है, सो जा मेरे बच्चे, सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। हा हा हा, मैं हूँ गब्बर, गब्बर सिंह डाकू, सब कुछ लूट लेता हूँ दिखाकर चाकू। फिर से सब लोग जोर जोर से हंसने लगते है। अब बारी आती है छोटे बेटे की, जो बॉलीवुड हीरो शाहरुख की तरह बनकर आता है और हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर बोलता है, कोई भी सिर्फ एक अंगूठी पहनाकर तुम्हें मुझसे नहीं छीन सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी हो सिमरन। सभी नीचे बैठे लोग ताली बजाते हैं और हंसते हैं। अब बारी आती है कोकिला की। स्टेज पर लाइट ऑफ हो जाती है, बस एक हल्की सी रोशनी आती है जिसमें से आवाज आता है, मैं सतयुग में अपने भक्तों को बचाने के लिए काली का रूप धारण किया और सभी दुष्टों का नाश किया, अपने काले रंग के कारण काली माता कहलाया। समय बीता, पापियों ने फिर से जन्म लिया, मेरे भक्तों ने मुझे याद किया और मैं कलयुग में एक आईपीएस बनकर आई, सारे पापियों का नाश किया और अपनी बहादुरी, मेहनत और हिम्मत से आईपीएस किरण बेदी कहलाई। स्टेज पर पूरी रोशनी हो जाती है और सामने कोकिला आईपीएस की ड्रेस में होती है, जिसकी एक हाथ में रिवॉल्वर होती है और दूसरे हाथ में तलवार पकड़ी हुई होती है और स्टेज पर सामने देखकर बोलती है, मैं एक बहादुर लड़की हूँ जो समय आने पर काली माता भी बन सकती हूँ और बहादुर आईपीएस किरण बेदी भी। स्टेज पर जोर जोर से तालियां बरसने लगती है। कोकिला के पापा और मम्मी खड़े हो जाते हैं, ताली बजाते हैं। फर्स्ट प्राइज कोकिला को ही मिलता है, लेकिन आज हर कोई कोकिला से खुश होता है और उसके काले रंग से नहीं, बल्कि उसकी महान सोच और अच्छी बातों के लिए उसे देखकर प्राउड फील करते हैं। उसके तीनों भाई उसके साथ स्टेज पर खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं, उसके रंग से भेदभाव नहीं करते हैं। उसकी टीचर भी आज उसके साथ सेल्फी लेते हैं और उसे सॉरी बोलते हैं। कोकिला बोलती है, सर आप सॉरी मत बोलिए, ये आइडिया तो मैंने आपसे ही लिया है, वरना इतना अच्छा इतना बड़ा सोच मेरे इतनी सी दिमाग में कहां से आता। और दोनों मुस्कुराती हुई सेल्फी लेने लगते हैं।